नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी का हमारे शब्द ज्ञान यूट्यूब चैनल में स्वागत है। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं कि कर्क राशि के जातक जातिकाओं के लिए मई मास 2022 कैसा रहने वाला है। इस पर आज हम बहुत ही सटीक और सत्य जानकारी आपको देने वाले हैं। साथियों, इससे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं, यदि आपने अभी तक हमारे शब्द ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आपको हमारी आने वाली हर ज्ञानवर्धक ऑडियो वीडियो समय समय पर देखने के लिए मिलती रहे। साथियों, यदि आपने अभी तक हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जिसका नाम है पंडित राजगुरु शर्मा, उसे आप जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, क्योंकि उस पर आपको जीवन से जुड़ी हुई सदाबहार सत्य जानकारियां प्राप्त होंगी। ये जो हमारा शब्द ज्ञान यूट्यूब चैनल है, इस पर तो आप वार्षिक, मासिक, साप्ताहिक और दैनिक राशिफल प्राप्त करते हैं और जानकारियां प्राप्त करते हैं, लेकिन जो हमारा पंडित राजगुरु शर्मा यूट्यूब चैनल है, उस पर आप सदाबहार जीवन से जुड़ी हुई सत्य भविष्यवाणियां, सत्य राशिफल और समस्त जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। उस चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से, परिवार वालों से सब्सक्राइब कराएं और उस पर जितने भी वीडियो आप देख रहे हैं सभी को लाइक एंड शेयर करते रहें। तो साथियों, अब बात करते हैं कि कर्क राशि के जातक जातिकाओं के लिए मई मास 2022 क्या क्या सौगाते लेकर आ रहा है और क्या क्या आपको शुभ और अशुभ फल प्रदान करने वाला है। मित्रों, हम जो भी राशि फल किसी भी राशि का बताते हैं वो बिल्कुल सत्य और सटीक लाते हैं, चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, क्योंकि हम सच्चाई के साथ ही हमेशा आप लोगों के बीच टिके रहना चाहते हैं, आपके दिलों पर राज करना चाहते हैं, क्योंकि सच्चाई हमेशा टिकी रहती है और झूठ ज्यादा दिन नहीं चलता है। मित्रों, हम इसलिए सच्चाई बताते हैं, चाहे आपके साथ वार्षिक, मासिक या साप्ताहिक या दैनिक जो भी अशुभ या शुभ घटनाएं घटित होती है उसी पर जानकारी देते हैं, क्योंकि यदि आपके साथ कोई भी अशुभ घटना घटित होने वाली है तो आप पहले से सचेत हो जाते हैं। इसमें हमारा जो बताने का तरीका है ये गलत है या सही है, इस बारे में आप हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। या फिर आपको वो राशिफल अच्छे लगते हैं जो जिसमें आपकी झूठी तारीफ करे जाए कि आपको, आप रात रात में करोड़पति बन जाएंगे, आपको रात रात में गाड़ी बंगला सब कुछ प्राप्त होगा, आप देश विदेश की यात्रा करेंगे, आप राजा से रैंक बन जाएंगे, यदि आप उन वीडियो को देखना पसंद करते हैं तो आप देख सकते हैं, हमें तो कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन हम सच्चाई के साथ ही आप लोगों के लिए राशिफल पेश करेंगे। यही हमारा सबसे पहला तरीका होता है, यही आप लोगों के लिए सबसे पहला संदेश होता है। तो साथियों, अब बात हम करते हैं कि कर्क राशि के जातक जातिकाओं के लिए मई मास 2022 कितना शुभ और कितना शुभ रहने वाला है, सबसे पहले इस पर चर्चा करते हैं। कर्क राशि के जातक जातिकाओं के लिए मई मास 2022 70% शुभ साबित रहने वाला है, जिसमें टोटल घटनाएं 16 घटित होंगी, जिनमें से 12 घटनाएं शुभ घटित होंगी और 4 घटनाएं अशुभ घटित होंगी। यानी कि कर्क राशि के जातक जातिकाओं के मई मास 2022 में 12 कार्य बनेंगे तो 4 कार्य बिगड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि ऐसे कौन से 4 कार्य हैं, ऐसी कौन सी 4 अशुभ घटनाएं हैं जो कर्क राशि के जातक जातिकाओं के साथ मई मास 2022 में घटित होने वाली है। नंबर 1, अशुभ घटनाएं घटित होगी मई मास में कर्क राशि के जातक जातिकाओं के साथ, किसी बात को लेकर आप बहुत ज्यादा दुखित रहेंगे, आपका मन दुखित रहेगा और मानसिक चिंता आपको परेशान करेगी। नंबर 2, यदि आप राज्य पक्ष संबंधित कार्यों से जुड़े हैं और उनमें प्रयास कर रहे हैं सफलता पाने के लिए, तो उनमें थोड़ा विलंब पड़ने के बाद ही आपको अपार सफलताएं प्राप्त होंगी। नंबर 3, यदि कर्क राशि के जातक जातिकाओं के माता पिता है तो उनका अचानक स्वास्थ्य खराब हो सकता है, और इसी के साथ साथ कर्क राशि के जातक जातिकाओं के लिए भी मई मास थोड़ा कष्ट भरा रहेगा। इसमें ज्यादा भागदौड़ के कारण और समय समय पर ना खान पीन का ध्यान रखने के कारण और नियमित ना व्यायाम करने के कारण आपका स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है, आपके खुद के स्वास्थ्य में भी गिरावटें आएंगी, जैसे नेत्र विकार, बुखार, सर दर्द, और इसके साथ ही साथ आप गाड़ी वाहन देखकर चलाना, क्योंकि चोट फैट लगने का भी संकेत बन रहा है। नंबर 4, प्रेम संबंधों में यदि आपके पिछले समय से मनमुटाव चल रहा है तो उसमें थोड़ा सुधार करने का आपको प्रयत्न करना पड़ेगा, तभी आपका वो प्रेम संबंध अच्छा और मधुर मजबूत बनेगा। किसी स्त्री की वजह से आपका मन दुखित होगा, आप चिंतित रहेंगे और थोड़े परेशान भी रह सकते हैं। तो मित्रों, मेरे प्यारे साथियों, ये 4 अशुभ घटनाएं
मई मास 2022 में कर्क राशि के जातक जातिकाओं के साथ घटित होंगी। अब बात करते हैं ऐसी कौन सी बार है वो शुभ घटनाएं हैं जो मई मास 2022 में कर्क राशि के जातक जातिकाओं के साथ घटित होने वाली है। नंबर एक, कार्य व्यवहार उन्नत रहेंगे और आय में खूब बढ़ोतरी होगी। अचानक सभी आपके पुराने रुके हुए अटके हुए कार्य बनते हुए नजर आएंगे जिससे आपका मन प्रसन्न होगा। नंबर तीन, कृषि भूमि बौद्धिक कार्यों से लोहा चवड़े के कार्यों से गीत संगीत गायन वादन लेखन प्रकाशन खेल कूद व्यायाम से जुड़े हैं, आयात निर्यात के साधनों से जुड़े हैं, किराए ब्याज के कार्यों से जुड़े हैं। इन सभी में कर्क राशि के जातक जातिकाओं को मई मास 2022 में काफी सफलताएं मिलेंगी और आय में बढ़ोतरी होगी। नंबर चार, जो कर्क राशि के जातक जातिकाएं लॉटरी कमीशन सट्टा बाजार प्रॉपर्टी डीलिंग ठेकेदारी रोजमर्रा के कार्यों से जुड़े हैं उनको भी आशानुसार धन का लाभ होता रहेगा। नंबर पांच, जो कर्क राशि के जातक जातिकाएं नौकरी पाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, दर बदर भटक रहे थे उनको नौकरी मिलने का संकेत बन रहा है, अच्छी नौकरी मिल सकती है। जो पहले से ही नौकरी कर रहे हैं चाहे नौकरी सरकारी हो या प्राइवेट हो उनको नौकरी में पदोन्नति मिलेगी और नौकरी के प्रति आपको जगह का परिवर्तन भी करना पड़ेगा जिसमें बड़े अधिकारियों का आपको सहयोग मिलेगा। नंबर छह, समाज में आपकी लगन मेहनत संघर्ष और कार्य की तारीफ होगी जिससे आपको कहीं ना कहीं से बड़ी धूमधाम से आपका सम्मान किया जाएगा, आपका स्वागत भी किया जाएगा जहां आप एक अलग ही खुशी महसूस करोगे। नंबर सात, यदि आपकी संतान है तो उस संतान से आपको सहयोग मिलेगा और यदि वो आपकी संतान किसी कार्य क्षेत्र में प्रयास कर रही है सफलता पाने के लिए तो उसका भाग्य उदय होगा, उसके भाग्य का सितारा बुलंद होगा। जिस कार्य के लिए वो लगन और प्रयास कर रहा है उसका वो कार्य बनेगा। नंबर आठ, धन संपदा में वृद्धि होगी, चल संपत्ति में वृद्धि होगी और बचत योजनाओं में आपका धन निवेश होगा। नंबर नौ, जो विद्यार्थी शिक्षा में थोड़ा सा भी प्रयास करते हैं उनको शिक्षा में अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे और जो विद्यार्थी विदेश में जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं तो यदि वो थोड़ा सा प्रयास करते हैं तो उनका ये सपना साकार होगा और मन चाहे कॉलेज में भी आपको एडमिशन मिल पाएगा। नंबर दस, कर्क राशि वाले जातक जातिकाएं घर परिवार में कोई मंगल कारज होने से विवाह शादी पार्टी होने की वजह से या जन्मदिन का उत्सव मनाने से वस्त्र आभूषणों की खरीदारी करेंगे और सैर सपाटे पिकनिक की भी बहुत ज्यादा संकेत बन रहे हैं। नंबर 11 को मई मास में बहुत सारी यात्राएं करनी पड़ सकती हैं लेकिन जितने भी यात्रा आप करेंगे वो सभी आपके लिए सुगद रहेंगी और लाभ प्रद साबित होंगी। नंबर 12, जो चाहे राजनीति से जुड़े हैं तो राजनीति में उनको अच्छा पद ग्रहण करना पड़ सकता है या राजनीति में किसी समारोह पार्टी का आयोजन करने की वजह से वहां आपको सम्मान मिलेगा और आपका उत्साह बढ़ेगा, इसके कारण आपके मनोबल में भी वृद्धि होती हुई नजर आएगी। लेकिन मई मास की कुछ तारीखें आपके लिए कष्ट भरी रहेंगी, उनमें थोड़ा सचेत रहना, सावधान रहना। वो तारीखें कौन कौन सी इनको भी आप जरा लिख लो या फिर इन्हें याद कर लो। 5, 11, 15, 23 ये तारीखें मई मास की कर्क राशि के जातक जातिकाओं के लिए थोड़ी कष्ट भरी रहेंगी, इन तारीखों में सचेत रहना, सावधान रहना, संयम से अपने समय को गुजारने का प्रयास करना। छोटा सा उपाय भी करना है आपको, माता पिता का आशीर्वाद नियमित ले या नियमित हनुमान चालीसा का पाठ करें या फिर पंचमुखी हनुमान जी पर 7 शनिवार लगातार पंचमुखी हनुमान जी को चोला चढ़ाएं या फिर 7 शनिवार और मंगलवार लगातार पंचमुखी दीपक पंचमुखी हनुमान जी के मंदिर में जलाएं। ऐसा करने से आपके आने वाले संकटों से निजात मिलेगी, राहत मिलेगी और आपके सभी आने वाले दुख संकट टल जाएंगे और आपके जीवन में और भी ज्यादा खुशहाली प्रवेश करेगी। तो मित्रों, मेरे प्यारे साथियों, ये था कर्क राशि के जातक जातिकाओं का मई मास 2022 का बिल्कुल सत्य और सटीक राशिफल। साथियों, यदि आपको हमारा बताया हुआ राशिफल सत्य लगे अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करना और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मित्रों, मेरे प्यारे साथियों, अब यहीं पर हम अपनी वाणी को देते हैं विराम और आप सभी करते हैं नमस्कार। फिर मिलेंगे नई ऑडियो वीडियो के साथ, जब तक के लिए पंडित राजगुरु शर्मा का आप सभी को जय हिंद जय भारत।